28 जुलाई से लेकर 4 अगस्त के बीच विधानसभा का मॉनसून सत्र आयोजित होने वाला है और इस मॉनसून सत्र की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, जहां एक तरफ आप तस्वीरें देख सकते हैं कि उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में तमाम अधिकारी मौजूद रहे, आला अधिकारी मौजूद रहे, और दूसरी बैठक की अध्यक्षता जहाँ करते हुए विधानसभा के स्पीकर ने कहा कि सभी चीज़ें काफ़ी सही से होंगी और जिस तरह से पिछले बार बिना किसी गतिरोध के विधानसभा का पूरा सत्र चला था, इस बार भी विधानसभा का पूरा सत्र बिना किसी गतिरोध के चलेगा। हालांकि जब सर्वदलीय बैठक हुई तो इस सर्वदलीय बैठक में बीजेपी से नेता प्रतिपक्ष गायब रहे, जो सवालों के घेरे में रहा, लेकिन अब विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र को लेकर स्पीकर ने यह आश्वस्त किया है कि सत्र जो है वो काफ़ी बेहतर ढंग से संचालित होगा। बीजेपी के कोई प्रतिनिधि नहीं बैठक सर्वदलीय बैठक एक तरह से उसमें बीजेपी के लोग दिखे रहे, तो क्या मतलब वो लोग सदन में उनकी भूमिका विपक्ष के तौर पे क्या लग रहा है, बहुत आसान रहेगा क्योंकि आपके पास तो बैठक में शामिल हुए नहीं, आपको क्या लग रहा है? आपको आप बैठक में नहीं आ सके हैं, हो सकता है कि कार्य का व्यस्तता होगा, कार्य व्यस्तता के चलते बहुत कई मान्य सदस्य नहीं आ पाए हैं, ये अलग विषय है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सदन के कार्रवाई में उनका सहयोग नहीं रहेगा, इसको ऐसा अंदाजा नहीं लगा। नेता प्रतिपक्ष के बिना ही मॉनसून सत्र गुजरेगा, ये मेरा विषय नहीं है भाई, इस विषय तो संबंधित दल के माननीय सदस्य लोग ही इसको बता सकते हैं। उधर से कोई नया नाम आया क्या? अभी तक मेरे पास कोई ऐसा न मौखिक सूचना है, प्रक्रिया पूरा होगा न आपका इसका सूचना है, लिखित सूचना है। देखिए, मेरा शुरू से ही आग्रह रहा है माननीय तमाम सदस्यों से, पक्ष के सदस्यों से और विपक्ष के सदस्यों से, कि सदन को सुचारू रूप से संचालन करने दें, चलाने में मदद करें, सहयोग करें आसन को। और हमको लगता है कि जहाँ तक माननीय सदस्य पक्ष और विपक्ष के आसन को इतना सहयोग निश्चित रूप से करते हैं, तभी हम लोग विधानसभा के कार्रवाई को सुचारू रूप से चला पाते हैं। और जैसे पिछले बार भी हम लोग किए हैं, उसी तरह का इस बार भी स्थिति है, और हम उम्मीद करते हैं कि चूंकि ये टेन्योर के अंतिम दौर पर हम लोग गुजर रहे हैं और सारे लोग जनहित में काम करने के लिए इच्छुक भी है, और ऐसे परिस्थिति में सदन का कार्रवाई में कोई व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना दूर दूर तक नहीं है, फिर भी अगर मान लीजिए चूंकि विभिन्न विचारधारा वाला पार्टियों का समावेश सदन के अंदर में है, इसलिए कहीं कहीं कुछ कुछ अगर ऐसा क्षण या ऐसा पल अगर आ भी गया तो उसको पटाक्षेप करने के लिए हम लोग काम करेंगे, सबका सहयोग का अपील भी हम लोग करेंगे, और हर हाल में जो जनता का जो अपेक्षा है, जनता का जो काम है, उसको बाधित होने नहीं देंगे। विधेयक बार बार राज्यपाल के यहाँ से लौट रहा है, फिर वही विधेयक फिर आ रहा है हाउस के अंदर। अब भी एक कार्यशाला हो रहा था तो हम लोगों को याद है आपने कहा था कि अधिकारियों को बड़ी सूक्ष्मता से देखनी चाहिए इन चीज़ों को, कि आप हिंदी का अंग्रेजी अनुवाद कर रहे हैं या अंग्रेजी का हिंदी कर रहे हैं, वो भी गलतियाँ हो रही है। तो इस बार जो विधेयक आ रहा है, तो उम्मीद है कि आपको ये विधेयक राज्यपाल की मंजूरी मिलेगी, उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी। मैं आपको बता दूँ, इसके पहले भी इस विषय पर हम लोगों ने चर्चा किया, जब हाई पावर कमेटी का बैठक चल रही थी, तो उसमें कुछ विधेयक ये कह करके आ जाता है कि हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट करने के क्रम में कहीं कहीं त्रुटि हो जाता है, और इस सामान्य त्रुटि के चलते उस विधेयक वापस आ जाता है, और एक बार सदन के अंदर में जब विधेयक वापस आ जाता है तो उसका पूर्ण प्रक्रिया सदन को फॉलो करना पड़ता है, और फॉलो करने के बाद फिर विधेयक को पास करके संशोधित रूप में फिर महामहिम के पास भेजा जाता है। तो हम लोगों ने इस बार निर्णय लिया कि इस बार जो विधेयक मूल रूप से सदन के अंदर जो विधेयक पेश होते हैं वह हिंदी का विधेयक पेश होते हैं, और जब हिंदी का विधेयक पेश होगा तो हम लोग उस हिंदी का विधेयक ही राजभवन में भेजने का काम करेंगे। राजभवन या कुछ न्याय प्रक्रिया में इस विधेयक के अंग्रेजी रूपांतरण की आवश्यकता पड़ती है, तो हम समझते हैं कि ये करने में राजभवन भी सक्षम है और सरकार भी सक्षम है, लेकिन विधानसभा सिर्फ हिंदी से पारित करेंगे, और जो यथा पारित जो विधेयक होगा उसी को हम लोग राजभवन तक भेजने का काम करेंगे। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।